नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आज सवेरे में और हमेशा एक बात हम आपसे कहते हैं कि जब दिन की शुरुआत या किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा सफर जो है वो अच्छा जाता है आशा करते हैं आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि हमारे साथ तो आज वैसे भी एक खास मेहमान है इसलिए हमारा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है चलिए सबसे पहले करवाते हैं उनसे आपका परिचय हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ प्रसाद आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका आज सवेरे में नमस्कार आप तो वैसे भी एटी बैच के आई ऑफिसर हैं बिहार में आपका जन्म हुआ वहीं आपकी शुरुआती दौर की पढ़ाई हुई थोड़ा सा बताइए अपने बचपन के बारे में मैं एक सिविल सर्वेंट फैमिली को बिलोंग करती हूं और मैंने पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए एम किया और फिर मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली उन्नीस uh, में कुछ साल मैं वेस्ट बंगाल में रही uh, पाँच साल करीब करीब और बाद में मैं कर्नाटक शिफ्ट हो गई हम थॉट्स की अगर बात करें तो हिस्ट्री में ऐसे बहुत से हमारे पास लीडर्स रहे हैं लोग रहे जिनको हम जब जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ को लेके उनकी थॉट्स कितनी अच्छी थी तो आपकी अगर ज़िंदगी की बात करें तो क्या मनरा रहा है मुझे लगता है कि मैं महात्मा गांधी की जो हमारी हिस्ट्री में ही हम पढ़ते थे तो महात्मा गांधी हमारे लिए एक पेपर हुआ करता था मतलब महात्मा गांधी की जो फ़िलासफ़ी थी वो हमारे एम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था और जब हम लोग शुरुआती दौर में उस पढ़ाई में थे तो आ, जैसे कि विचारधारा होती है मार्क्सवादी विचारधारा भी होती है लेफ़्ट की होती है और कॉलेज के ज़माने में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो लेकिन मुझे लगता है कि उनके विचारधारा ने हमें प्रभावित किया और उसके अलावा जो एंशेंट इंडिया हमारा है और जिस तरह की फिलोसफ़ी है तो मैं एक नाम लेना चाहूंगी रोमीला थापर जी का जिनकी किताबों ने हमें बहुत प्रभावित किया और वेमेंस कॉलेज हमारा जो था वो एक क्रिश्चन कॉलेज है और माउंट कार्मल की तरफ से चलाया जाता है तो वहाँ के जो सिस्टर्स थे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस तरह की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी आ, हिस्ट्री के अलावा भी और जिस तरह की वैल्यूज़ उन्होंने हमें बताया कि आप सबको हेल्प करें या आप अपनी संस्कृति पर ध्यान दें या हमें जो मिला है हमारी विरासत में है वो एक बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हमारी विमेंस uh, कॉलेज में भी हुई और फिर दिल्ली uh, यूनिवर्सिटी में भी हुई मुझे लगता है कि इन सब का असर uh, थोड़ा थोड़ा रहा होगा जी। फिर हमारे uh, जो दादाजी थे वो पॉलिटिकल uh, फैमिली भी थो हमारी थोड़ी सी थी तो उनकी एक विचारधारा थी बहुत ही सरल जीवन बिताने का

and it absolutely needs to be solved it deserves to be a huge priority bill gates तो मैम ये तो हम थॉट की बात कर रहे थे इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जिंदगी में दिनों का बहुत महत्व होता है कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन जो आपको लगता हो कि जो याद आता हो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए अभी तो दो दिन बहुत हम इम्पोर्टेंट हैं मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बल्कि ग्यारह दिन है हमारे जो कि पूरे साल में हम मनाते हैं लेकिन अभी जो दो दिन हैं 22 मई को हमने इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण और एक और दिन मुझे जो बहुत ही जरूरी लगता है और जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो है जो दिव्यांग के लिए हम तीन दिसंबर मनाते हैं तो दिनों का भी अपना महत्व है आज के दिन का क्या महत्व इतिहास में आइए जानते हैं सोलह सो में आज के दिन छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्य अभिषेक हुआ था और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी सड़सठ में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी बाबा खड़क सिंह का जन्म सियालकोट में हुआ था दिल्ली में कनॉट प्लेस से गुरुद्वारा बंगला साहिब रोड उनके नाम पर है उन्नीस में आज के दिन अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त का जन्म पश्चिमी पंजाब के झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था उन्नीस में बैंकॉक में बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी थी तो मैम हम डेज़ की बात करें लेकिन अब इन्वायरमेंट की अगर बात करें आपने जिक्र भी अभी किया जैसे कि जून के महीने में तो इसका एक अलग ही तरह से ग्लोबली हमने देखा है कि एक अलग इसका डिस्कशन पूरे हर जगह हो रहा होता है लेकिन इन्वायरमेंट को लेकर अगर आज के टाइम में देखा जाए तो क्या कंसर्नस आपको नज़र आते हैं पहले तो मंत्रालय का नाम तीन है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो हमारे मंत्रालय का पूरा नाम यह है अगर हम पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण में अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक तो प्रदूषण की हैं दूसरी बात है कि जो इस बार का जो थीम भी है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है कनेक्ट टू नेचर तो या कनेक्ट विथ नेचर तो अभी जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं हमारे यहाँ तो उतनी तो समस्या नहीं है लेकिन पश्चिमी देशों में इसकी बड़ी समस्या है तो पर्यावरण दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है उसमें कनाडा ने ये थीम दी है कनेक्ट टू नेचर ताकि लोग बाहर जाएं नेचर के साथ देखें और उसके साथ अपना एक सामंजस्य या समन्वय या एक रिश्तेदारी कायम करें तो एक तो वो है दूसरी चीज़ है कि हम वातावरण को प्रदूषण से कैसे बचाएं जैसा कि आपको मालूम होगा अभी क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं पेरिस में भी एग्रीमेंट हुआ है और इस विषय पर भी काफ़ी इंडिया ने बहुत अपना अहम भूमिका निभाई है और इस भूमिका में एक दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण रही हैं वो है कि हम कार्बन इमिशन को कैसे कम करें और दूसरा कि हम प्रदूषण को कैसे कम करें चाहे वो वायु का प्रदूषण हो hmm. या फिर आपके गाड़ियों से प्रदूषण हो या कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रदूषण होते हैं उसको कम करें लेकिन जो विषय मैं देखती हूँ वो है बायोडाइवर्सिटी डियो कंजर्वेशन इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सब कुछ ही है प्लांट hmm. है आपके एनिमल्स हैं या आपके वातावरण में जो भी चीज़ आपको नेचर दे रही है पूरा इको सिस्टम जी जी शामिल कर तो अगर जैसे नेचर से हमें पानी मिल रहा है नेचर से हमें हवा मिल रही है नेचर से हमें पेड़ पौधे मिल रहे हैं हमें हनी मिल रही है हमें शहद मिल रहा है हमें खाना पीना मिल रहा है सब्ज़ियाँ तरकारियाँ सब नेचर के ही थ्रू आ रहा है और एग्रीकल्चर बढ़ रहा है जो भी है तो जो हमारा वातावरण है इसमें ये सब चीज़ों का बराबर का महत्वपूर्ण स्थान एक है तो वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हम सब चीज़ को पर्सपेक्टिव में समझें क्योंकि एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है जैसे कि दो चीज़ें फिर यहाँ निकल कर आती हैं तो वाटर कंजर्वेशन की बात होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है एट द सेम टाइम पोल्यूशन जो एक एस्पेक्ट है फिर वो वाटर के एंड पे हो एयर के एंड पे हो तो वो समस्या है हमें दोनों तरफ काम करना है तो एक तो पॉलिसी मेकिंग की जहाँ बात आती है वो और दूसरा अवेयरनेस जनरेट करने की बात होती है उस फ्रंट पे क्या काम हो रहा है हमारे मंत्रालय से हम लोगों की बड़ी सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम काम करते हैं जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात ली जाए तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हमारा जो नेट जो आप कहेंगे कि फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ा है पिछले तीन चार सालों में और पिछले दस सालों में जैसे ये एक जाहिर सी बात है कि हमारा फॉरेस्ट कवर इक्कीस परसेंट से हमें बढ़ा के तैंतीस परसेंट तक ले जाना है जी। अभी हम चौबीस परसेंट पर हैं तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट को कैसे अच्छा किया जाए या जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या नेशनल पार्कस हैं उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर स्कीम्स uh, भी हैं और उसके अलावा हम उस पर काम भी कर रहे हैं दूसरी चीज़ एक कम्पल्सटरी फॉरेस्ट की भी आपने सुना होगा पिछले जुलाई में एक कैंपा uh, एक्ट पास किया गया जिसमें कि हम कम्पल्सट्री फॉरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए कैसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हो गया दूसरी चीज़ आपने कही कि हम कैसे लोगों को शामिल करें इसमें तो कनेक्ट टू पीपल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क एंड मोस्ट इजी ऑल्सो अगर आप लोगों से ठीक से बात करें या उनको समझाएं तो लोग शामिल होते हैं अभी वर्सोवा बीच का भी एक प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में जिक्र किया था और उन्होंने पिछले अस्सी हफ्तों में बीच को क्लीन कर दिया तो हमारे मंत्रालय से एक बच्चों को जल्दी पकड़े एक उसरा का कैच देम यंग एक है जो हम पिछले काफ़ी सालों से बत्तीस सालों से वो प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें बच्चों को हम नेचर कैंप में ले जाते हैं और उस नेचर कैंप के माध्यम से उनको समझाते हैं तो उनसे फिर वो कैसे जुड़े वातावरण में वातावरण को करना एक तो पेड़ लगाने की बड़ी अहम भूमिका है जिसमें कार्बन सिंकिंग की बात आती है दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वातावरण को शुद्ध कैसे रखें तो एक स्वच्छता आंदोलन जो हमारा स्वच्छता मिशन है उसमें भी हम काम कर रहे हैं हमारे मंत्रालय की तरफ से दस प्रोटेक्टेड एरिया या टाइगर के जो रिजर्व्स हैं जिसमें कान्हा नेशनल पार्क है और फिर आ, आ, बाकी जगहों में जैसे असम में काजीरंगा है इस तरह के जो दस इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हमने कहा कि पायलट स्तर पे आप वहाँ पर साफ सफाई का काम करें तो एक ये हमने मुहिम निकाली है दूसरी जो हमारी इको क्लब्स हैं जो मैंने कहा करीब हमारे देश में करीब एक लाख इको क्लब हैं इको क्लब का है कि प्रति जिलों में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम इसके साथ जोड़ते हैं और हमारे पास करीब आ, 18 से 20 लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं तो ईको क्लब में हम पैसे तो बहुत कम देते हैं लेकिन बच्चे बहुत काम बहुत करते हैं तो उनको एक अवेयरनेस देना पेड़ पक्षियों के बारे में बताना उसके अलावा नेचर में और क्या हो सकता है और प्रदूषण को हम कैसे रोकें तो जो बच्चों का ये जो प्रोग्राम है इको क्लब में उसमें हम बच्चों को पकड़ते हैं जो दूसरे और हमारे कार्यक्रम हैं उनके थ्रू हम ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो एयर पोल्यूशन वगैरह का है इसमें भाई टेक्नोलॉजी भी चाहिए बिकॉज दीज आर ऑल मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो तो एयर पोल्यूशन को अभी हम करीब करीब तीन जगह पर आ, पूरे भारत देश में 300 शहरों में हम एयर पोल्यूशन को आजकल मॉनिटर भी कर रहे हैं पिछले तीन सालों में ये नंबर 23 से बढ़ के तीन हो गया है तो इसमें आप देखती होंगी कि ये ऑनलाइन भी है कि आपको बार बार मिलता रहता है और लेकिन वही बिहेवियर चेंज की जो मैं बात कर रही हूँ वो बस सबसे अहम लगता है मुझको जी मैम यहाँ पर जैसे बात हो रही है गवर्नमेंट के एंड पे भी हमने जाना कि पॉलिसी मिनिस्ट्री सी से बात आ रही है किस तरह से कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं अवेयरनेस का भी जिक्र आ रहा है कंजर्वेशन को लेकर काम हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर बात की जाए और अगर हम अगर भारत की ही बात करें तो आपको क्या लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी कहाँ ठहरती है कि वो एक तो पोल्यूशन ना फैलाए चाहे वाटर की बात हो एयर की बात हो और किस तरह से नेचर के साथ जुड़ने की बात जो थीम भी है इस बार का एट द सेम टाइम कि वो कॉन्ट्रीब्यूट भी करें तो उसके लिए आप वो चाहे किसी भी स्टेटस से हो बच्चे हों बड़े हों एक कॉमन जो संदेश होता है कि नहीं अपने वातावरण को मुझे साफ रखने में सहयोग करना है तो ये जो कनेक्ट वाली बात है इसके लिए आपको लगता है कुछ और एफर्ट करने की जरूरत बिल्कुल और इसमें सबसे ज़रूरी है स्कूलों की भूमिका जब हम लोग पढ़ते थे तो एक वैल्यू एजुकेशन होता था और उस वैल्यू एजुकेशन में मैंने कहा आपको कि जब मैं स्कूल में थी मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है कि जो सिस्टम है हमारा उसको हम कैसे अच्छा करें तो मैं एक छोटी बात आपको बताना चाहूँगी बहुत छोटा सा स्कूल था हमारा सहरसा ज़िले में जी पता नहीं अब वो स्कूल है कि नहीं वो एक मिशन स्कूल हुआ करता था जहाँ हम ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई करते थे और आठ से पंद्रह बच्चे होते थे एक क्लास में हमें एक छोटा सा प्लॉट दिया जाता था जहाँ पर आप आप छोटी तरकारी उगा सकते हैं जैसे बैंगन गाजर मूली इत्यादि वो क्या था कि आप अपने हाथ से काम करें मुझे अभी भी याद है कि हम एक गाजर या एक बैंगन लेके घर आते थे और अपनी माँ को देते थे कि हम स्कूल से ये लेके आए लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर नेचर को समझने की बात उस स्कूल से ही हमने सीखा बहुत छोटी उम्र थी मैं मे बी क्लास तीन तक वहाँ पढ़ी हूँ और वो बात मुझे अभी भी याद है आजकल के बच्चों को हम बाहर नहीं जाने देते आप नेचर को उनको मिट्टी छूने नहीं देते हैं अगर वो एक बच्चा एक कीड़े को देखता है तो शायद उसको बचाने की भी कोशिश करेगा तो मुझे ये लगता है कि जितना हम नेचर को समझेंगे उतनी अच्छी बात दूसरी चीज़ क्या है जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें और जो हमारे किसान हैं जहाँ पर भी उन्होंने एक वाटर कंजर्वेशन को अपनाया है मैं कर्नाटक से आ रही हूँ और वहाँ हमने बहुत काम किया और बीदर जिले में अभी पढ़ रहे थे हम और कोलार में भी हम लोगों ने काम किया था तो उन दो तीन ज़िलों में और बहुत सारे जगह और तो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पर इतना काम किया कि कहीं पर अभी पानी नहीं है उस क्षेत्र में और बीदर जिले में पानी है तो इसका किसने किया ये काम ये किसानों ने किया और हम किसानों को अगर ये एक मन में डाल दें कि जितना भी एक बूंद भी पानी हम वेस्ट नहीं होने देंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज की जो हमें समस्या आएगी पानी पे या जो आ, एक प्रेशर आएगा ऑन लैंड दैट कैन बी मिनिमाइज्ड तो एक जो बात होती है कि आ, हमें बिहेवियर चेंज करना होगा तो केवल बच्चों का स्कूल के बच्चों का नहीं एक किसान से लेके एक हम जो बड़े से बड़े लोग हैं सबको एक बेहेवियर जो मेट्रोज में अदरवाइज क्योंकि ये सबका कंसर्न कहीं ना कहीं जुड़ता है नेचर के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जितनी जल्दी घरों में स्कूलों में आ, किसानों को गृहणियों को ये जो हमारे बच्चे जो दिन भर आ, इस पर लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर उनको एक हमेशा एक मन में बात होनी चाहिए और इसमें एक मैं स्वच्छ भारत का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मुझे लगता है ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन है क्योंकि ये वातावरण से जुड़ा है प्रदूषण से भी जुड़ा हुआ है और इस कैंपेन में ये बड़ा सस्टेन्ड कैंपेन है जिसमें लोगों को जैसे मन में एक बात आ जाती है तो एक हमें बड़ा सस्टेन कैंपेन की जरूरत है जो हम कर सकें जी ओजोन लेयर की मैम अगर बात की जाए तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके बारे में एक आम व्यक्ति को लगता है कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं जैसे पानी का जिक्र आता तब भी ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जिनके लिए अगर अभी नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी तो आपको लगता है कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वाकई इसमें कुछ तब्दीली आ रही है तब्दीली आ रही है मैंने कहा कि जहाँ तक हम अपने स्वभाव को या अपने जैसे हम जो करते हैं उसको नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला अगर हम बात करेंगे कि कैसे ओजोन लेयर की या जो हम कर रहे हैं काम वो सफिशियंट है कि नहीं जिस दिशा से हम जा रहे हैं और हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से काम कर रहा है मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री मैंने पहले ही आपको कहा जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके उनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं जो डेवलपिंग कंट्री हमारी सबसे बड़ी अभी रिक्वायरमेंट क्या है फूड सिक्योरिटी hmm. हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है लाइवलीहुड तीसरी रिक्वायरमेंट है कि कैसे हम क्लीन टेक्नोलॉजी करें जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी ये चीजों के काफी इन्होंने वो उन मुद्दों को सुलझा लिया है तो उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल जी बिल्कुल प्रायरिटीज अलग है hmm. और जो दूसरे और भी नेशंस हैं जो हमसे भी hmm. आ, कम में हैं जिनको और भी आवश्यकता है समझने की तो वो दूसरी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एवरी इज़ एट अ लेवल ऑफ़ डिफरेंट लेवल ऑफ़ डेवलपमेंट तो ये फिर जिसकी डेवलपमेंट है फिर सबकी नेशनल प्रायोरिटीज अलग हैं तो इंटरनेशनल प्रायोरिटी आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल नेगोशिएशन इज़ अ मैटर ऑफ़ रियल पावर स्ट्रगल जी तो ये एक अहम सी बात है लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हम लोगों ने जो अभी कदम उठाए हैं जो मिशन के थ्रू हो रहा है जो प्रधानमंत्री के स्तर पर ये सारे मिशन की रिव्यू होती है तो काफ़ी काम हुआ है लेकिन अब जैसे ओजोन लेयर जो की बात कर रहे हैं जी हमारे लिए शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हमारे पीने के पानी की समस्या है।, है या हमारे लिए जो बहुत बड़ी समस्या है वो है हमारे खाद्यान्न ठीक से हो जाए या हमारे पास दूसरी समस्या है डिजास्टर को हम कैसे रिजिलियंट बने तो फिर हमारा ध्यान उधर भी जाता है और एक एक और चीज़ है कि प्रायरिटीज़ फिर बढ़ जाए बिल्कुल फिर प्रायरिटीज बढ़ जाए जी बिल्कुल यहाँ मैम टूरिज्म पे थोड़ा सा हम आते हैं नेशनल पार्क का भी आप जिक्र कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सेक्टर जो है अब डेवलप भी और ज़्यादा हो रहा है हमेशा से हालांकि रहा है लेकिन अब ज़्यादा उस पर फोकस है तो इसको अगर हम नेचर से जोड़ें किस तरह से आप देखती जो तब्दीली आ रही हैं टूरिज़्म में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो तब्दीली आ रही है वो इको टूरिज्म पे है और इको टूरिज्म इज़ अ जैसे कि हम कहें कि हाई वैल्यू को ये करती है और सबसे उसमें अच्छी बात क्या है कि लोकल लोग उसमें जुड़ सकते हैं अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है और उसमें अगर लोकल जो लोग हैं उनके उनकी सभ्यता उनके कल्चर उनका खान पान अगर हम डेवलप करते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है तो नेचर से भी जुड़ने की बात होती है दूसरी चीज़ क्या है कि जो टूरिज़म है ये हमारे पिछले दिनों में आई थिंक दिसंबर में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था जिसमें उन्होंने चार विषय लिए थे फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर टूरिज़म एंड फिशरीज़ तो टूरिज़्म पे उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है और टूरिज्म को आगे कैसे बढ़ाएं कि नेचर को देखने के लिए लोग टूरिस्ट जाते हैं जी और हमारे यहाँ जो एक जैसे केरल है केरल ने अपनी नेचुरल ब्यूटी को काफ़ी एक्सप्लॉयट मैंने एक्सप्लॉयट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए लेकिन उसको काफ़ी सराहा गया है hmm. उन्होंने अपने वाटर को रखा है कर्नाटक में भी उन्होंने हमारे राज्य में नॉर्थ ईस्ट में भी किया, जाएं मैं वहां पर में भी भी किया। और अब सिक्किम में बहुत hmm. अच्छा इको टूरिज्म डेवलप हुआ कश्मीर में लद्दाख में हमने बहुत अच्छा डेवलप किया तो छोटे छोटे स्तरों पर डेवलप तो हो रहा है लेकिन टूरिज्म में हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम उसकी बात हो रही है हमारे देश में लो वॉल्यूम तो नहीं हो सकता है लेकिन हाई वॉल्यूम में हम कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं हाई वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो एक अच्छी बात है और नेचर के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी हमारे साथ भी मिलके और हम लोग भी जैसे नेशनल पार्क्स के तरह से करते हैं इंटरप्रटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं बहुत जगह जो जो कि प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में दे रहे हैं अभी हम पिछले दिनों हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन लाना चाह रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में कहाँ पर क्या मिल सकता है जानवर या प्लांट्स उसकी जानकारी आपको देंगे अच्छा तो ये अभी आ, इसको हम आ, आगे बढ़ा रहे हैं तो टूरिज्म जहाँ तक सवाल है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अब बात हो रही है एंड वाइज यूज़ ऑफ़ रिसोर्सिस की बात हो रही है हम जो सस्टेनेबल बात करते हैं कि हम सस्टेन करके रखें बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सस्टेनेबल का अर्थ क्या हुआ अर्थ सस्टेनेबल का ये अर्थ हुआ, हुआ।, हुआ ये हुआ कि जो भी हम यूज़ करें ऐसा हुआ। हुआ। यूज करें कि उसको बाकी जो हमारे जनरेशन आएंगे उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें बिल्कुल छोटी सी बात लेकिन मैं जो शब्द इस्तेमाल करना चाहती हूँ वो दो हैं एक तो रिस्पॉन्सिबल वर्ड कि अगर आप वातावरण को भी देख रही हैं तो या जो हम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली करें एंड वाइज यूज़ ऑफ़ रिसोर्सेज पानी अगर हमारा कम है तो हम फिर ड्रिप रिपेरीगेशन यूज़ करें अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम सोलर पंप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी है जिसको हमको देखना है आगे तक के लिए तो फिर हमें बहुत ही वाइजली उसको यूज़ करना पड़े कनेक्ट टू नेचर जो हमारा इस बार का सब्जेक्ट रहा है और बायोडावर्सिटी में हमने टूरिज्म को लिया था ये जो सब्जेक्ट लिए गए थे ये सार आपस में बड़े जुड़े हुए हैं लोग क्या देखने जाते हैं अगर आप गोवा जाती हैं जी या हम कहीं सी फॉरेस्ट में हम जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं हम देखने जाते हैं बीच की सुंदरता तो अगर बीच ही नहीं रहेगा तो हम क्या देखने नहीं। नहीं। जाएंगे तो आई थिंक इस एक शब्द से मैं कहना चाहूंगी कि नेचर को प्रिजर्व करना हमारे ही हित में है और दूसरी चीज ये है कि जितना भी हम रिस्पॉन्सिबल बने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उत्तरदायित्व है बच्चों पे किसानों पे महिलाओं पे हम सब पे जितने भी नागरिक हैं हम सब पे मंत्रालयों पे ये ज़रूरी है कि हम रिस्पांसिबिली अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करें लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट को हम इंक्लूड करें जैसे आपने कहा मिनिस्ट्रीज आजकल जो काम हो रहा है उसमें कोलाब्रेशन में भी हो रहा है और कोशिश ये हो रही है कि नेचर को भी कंजर्व करने की बात है रिसोर्सेज को किस तरह से हम लेकर चले ये भी समझने की जरूरत है तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैम उसको हम टूरिज्म से भी जोड़ सकते हैं लिक्विड वेस्ट की बात हो या फिर हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं आपको लगता है कि उसमें भी हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है हमने देखा माउंट एवरेस्ट तक भी अब जाने की बात होती है तो उसमें लोग बोलते हैं कि वहाँ भी लोग गंदा करके आ रहे हैं तो फिर नेचर यहाँ कहीं ना कहीं जुड़ता है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है जिससे दो फायदे होंगे फिर एक तो नेचर आपका अच्छा रहेगा और जो सस्टेनेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं वो प्रोसेस एक अच्छा चलेगा क्या कहेंगे आप दो चीज़ें कहूंगी एक तो कहूँगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा क्या है hmm. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 2000 में आ, रूल्स निकले थे जिसको 2016 में अभी हमारे मंत्रालय ने उसको रिवाइज किया है जिस वेस्ट में अब पहले जो ये वेस्ट का था ये केवल अर्बन एरियाज में था म्यूनसिपल एरियाज में अब हमने इसको बढ़ा के सारे अर्बन एक्लोब्रेशन कोस्टल एरिया और इसको काफ़ी प्रशस्त कर दिया है दूसरी ये छह रूल्स हैं एक जनरल म्यूनसपल का है उसके बाद ई वेस्ट है हॉस्पिटल के वेस्ट हैं हजारडज वेस्ट हैं और बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय की गई नवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो हमारे जो विंग हैं जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हैं वो पानी के प्रदूषण को और एयर के प्रदूषण को देखते हैं म्यूनसिपल प्रदूषण का काम या सॉलिड वेस्ट की जो आप बात कर रही हैं ये काम राज्य सरकारें करती हैं तो फिर हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक कार्यक्रम भी बनाया जो सौ हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं वो हम उसको पहले ले रहे हैं ताकि वो एक पायलट बन सके एक उदाहरण बन सके सिक्किम का एक उदाहरण देना चाहूँगी एक बहुत अच्छा काम सिक्किम में हुआ है उन्होंने क्या किया कि जो नेचर पार्कस थे वहाँ से जो लोग गंदगी फैलाते थे उन्होंने उस गंदगी को जमा करना शुरू किया और उस उसको जमा करने के बाद उसको उन्होंने एक रिसोर्स में बदल दिया और वो पिछले दस सालों से इस पर काम कर रहे हैं तो जो भी टिन है बॉटल है ये जो है उन्होंने कलेक्शन सेंटर में जमा करके उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या प्लास्टिक वेस्ट जो है सड़कों में भी काम आ सकती है प्लास्टिक वेस्ट के और भी बड़े सारे यूज़ हैं तो जो हमारे मंत्रालय में या दूसरी जगह एक बात अब आ रही है क्या हम वेस्ट को वेस्ट समझें या उसको रिसोर्स समझें अगर ये एक चेंज ऑफ एटीट्यूड होता है तो वो बहुत बड़ी बात है और मैं ये कहना चाहूँगी जो एटीट्यूड हमारा है ना जो हम सोचते हैं या समझते हैं या आ, जो भी करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है आप किस तरह से सोचते हैं एटीट्यूड की अगर हम ये सोचते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर आप वो करेंगे तो आ, जब एक पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम इस काम को कर सकता है मेरे ख्याल से सब जगह कर सकते हैं मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी मैसूर का और कर्नाटक का ही देना चाहूंगी मैं वहाँ अर्बन सेक्रेटरी रह चुकी हूँ तो हमने इसको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी उस समय तो हमने बैंगलोर में आ, सेंटर बनाया और हर वार्ड में एक सेंटर बनाया कि जहाँ पर ये ट्रैश कलेक्शन हो सके पीपल डोंट वांट इट इन देयर ओन बैकयार्ड उनको कहना है सफ़ाई हो लेकिन मेरे घर के पीछे ना करें तो थोड़ी मुसीबत आई लेकिन कोई बात नहीं वो शुरू किया गया तो वहाँ पे आप वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं जो आप बायोडिग्रेड कर सकते हैं आप वो करिए और जो नहीं हो सकता रिसोर्स में आप फिर उसको बेचिए तो वेस्ट एज अ रिसोर्स कैन बी अ रियली मोटिवेटिंग फैक्टर जी। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहेंगे अभी आप एटीट्यूड की बात कर रहे हैं जी आपकी अपनी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो किस तरह से आप ज़िंदगी को देखती हैं और क्या करना पसंद करती हैं खाली वक्त में Hmm, बहुत सारी चीज़ें थी बहुत सारे शौक थे hmm. शायद मैं आपके जैसा एंकर भी बनना चाहती okay, थी किसी समय hmm. आ, आ, मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था और मेरी कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो पर भी आती थी हाँ और लेकिन फिर मैं कर्नाटक और बंगाल चली गई वहाँ hmm. भाषा बदल गई तो फिर हिंदी छूट गई मेरी जी. आ, लेकिन फिर भी मैं म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ ट्रैवलिंग पसंद करती हूँ लिखना बहुत पसंद करती हूँ लेकिन अब शायद अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है शायद बाद में करूँ और घूमने फिरने का शौक है इसके अलावा आ, मुझे एक चीज लगता है कि हाउ कैन आई गिव बैक टू सोसाइटी और हम लोग जो अभी सर्विस में हैं हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक नेटवर्क फॉर चिल्ड्रेन बनाएं हुँ। या वुमन बनाएं वी आर रियली थिंकिंग की नेटवर्क ऐसे बनाएं जो हमें जो सोसाइटी ने दिया कैन वी गिव बैक टू सोसाइटी इस पर हम लोग अभी काम करना शुरू किए हैं आई होप कि हम लोग इसमें सक्सेसफुल हों ये हम लोग आ, जो लोग सर्विस में हैं कुछ लोग हम लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं तो ये एक है? काम है और फिर आ, एक शौक मुझे ये भी हुआ कि मैं कुछ और पढ़ाई कर लूँ तो फिर मैंने पी की और फिर एम किया और मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था तो मैंने फिर एम एन इकोनॉमिक्स किया तो ये बार? एक एक मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी है जी जी बहुत बढ़िया तो डॉक्टर अमिताभ प्रसाद आपने ये बात की गिव बैक करने की तो हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते हैं फिलहाल लेकिन धन्यवाद ज़रूर देंगे सबसे पहले <laughs> कि आप प्रोग्राम में आई आप इतनी व्यस्त रहती हैं उसमें आपने समय निकाला और साथ ही बेस्ट विशेष जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में और वो जरूर कर पाए बहुत शुक्रिया प्रोग्राम थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाजत लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहेंगे प्रोग्राम के बारे में आपके कुछ भी सुझाव हो कुछ भी फीडबैक हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है आज सवेरे ऐट द रेट डी डी के डेली डॉट ओ आर जी डॉट इन फिलहाल